गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि आपको पता है आज मैं जा रही हूँ अपने उमर के साथ और अपनी बड़ी अप्पी के साथ, जो कि बहुत टाइम बाद आए हैं नानी के घर उमर अपने। और मैं अप्पी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा अलोन हो गई थी, बहुत ज़्यादा अकेलापन लगने लगा था घर में, अच्छा नहीं लगता था। फिर जब अप्पी आई तो मैं निकली घर से, क्योंकि मेरी अम्मा की तबीयत ख़राब रहती है आपको जैसा कि पता होगा, तो मैं अम्मा के साथ ही घर पर रहती हूँ। और ऐसे तो ज़्यादा निकलना नहीं हो पाता है, जब कोई ज़रूरी काम होता है तो मैं निकलती हूँ और फिर मैं तभी शूट करती हूँ आपके लिए व्लॉग भी। तो बस अप्पी आई थी और हम जा रहे थे अपनी बड़ी वाली, इनसे भी जो बड़ी हैं उनसे और मेरे से जो बड़ी हैं उनसे मिलने, उनकी ससुराल। और बड़ी वाली अप्पी के घर जा रहे थे, तो बस मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने ज़्यादा शूट तो नहीं किया है, पर मैंने बस ऐसे रास्ते में चलते चलते थोड़ा बहुत सा आपके लिए शूट किया है। और दूसरी चीज़ ये है, मेरी खाला के लिए मैंने आप सबसे कहा था कि दुआ करिएगा, मेरी खाला की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, बस अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं लगेंगी और वो बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। फिर आपको पता है क्या दिखा हमें रास्ते में, कैमल दिखा, देख सकते हैं आप, पहला कैमल। इसके बाद हमें दो कैमल और दिखे थे, जो कि उमर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे देख के, और खुश तो भाई हम भी हो गए थे। पर ये ना मैंने स्लोमो थोड़ा सा डाला और मैंने शूट ऐसे गाड़ी पर बैठे बैठे किया था, तो बहुत अच्छा नहीं आया है दोस्तों, पर मैं कैमल देखकर बहुत खुश हो गई थी। और मुझे पास में से तो पता ही नहीं था भैया इतना बड़ा कैमल होता है कि उसको यूं करके देखना पड़ रहा था। और ये देखिए आप, काफ़ी अच्छे लग रहे थे रोड पर जा रहे थे बेचारे इतनी धूप में पैदल पैदल। और फिर क्या था, फिर थोड़ा सा मैंने शूट किया और गाड़ी वाड़ी वाले भैया भी सब लोग आते गए, भाई हीरो बन गए सबके सब हमारे वीडियो में। और फिर रास्ते में मैं चलते चलते यही सोच रही थी कि मैं कितने दिनों से घर में पड़ी थी अकेले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और पता है भाई, लखनऊ घंटाघर पर यहाँ शूटिंग हुआ करती है भाई, ये तो शूटिंग हब ही बन गया है। यहाँ पर शूटिंग चल रही थी किसी ड्रामा या सीरियल की, मुझे सही से पता नहीं है कि यहाँ पर किस चीज़ की शूटिंग थी, पर यह है कि यहाँ पर ड्रामा मूवीज़ सब की शूटिंग चलती है और धूप काफ़ी तेज़ थी। फिर क्या था, फिर हम जाते गए, फिर मुझे खाना घर पे खाना नहीं था, तो भाई मैंने खाना नहीं खाया। फिर मैं जब गई तो अप्पी ने बहुत फोर्स किया कि खाना खा लो, फिर मैंने खाना नहीं खाया। हाँ, हम बात कर रहे थे मेरी खाला की तबीयत नहीं सही है, तो आप सब दुआ करें। और हमारी खाला भी अकेली हैं, तो वो हैं हमारी बड़ी अप्पी के घर, तो बस अब हम वहीं उनसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी अप्पी आई थी साथ में और काफ़ी टाइम बाद ये आई हैं अपनी ससुराल से, तो इनको खाला से मिलना था और खाला की थी तबीयत ख़राब, जैसा कि मैंने आपसे कहा था दुआ करने के लिए। तो बस आप सबकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह वो ज़रूर जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये देखिए, ये भाई शामियाना किस चीज़ का सज़ा है, यहाँ पर तो लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़बरदस्ती रजवाड़ी शादी वगैरह कुछ है। वैसे मुझे पता नहीं था कि ये भाई किस चीज़ का सेटअप है, तो मैंने तो शूट में ले लिया अपने। और बोल बोल के पता है दोस्तों, आजकल मेरा गला दर्द होने लगा है, क्योंकि बस होने लगा है। फिर ना जब मैं छोटी थी, मैं पता है क्या करती थी, जब भी मैं इसके अंदर से निकलती थी मैं ऐसे करती थी वो सब ना बचपन की यादें हैं। तो हमें ना किसी ने ऐसे बताया था कि जब इसके अंदर ऐसे करो तो आवाज़ गूंजती है, तो मैं ना जब छोटी थी तो मैं बस ऐसे ही ट्राई करती थी। फिर क्या, उमर को लगी थी भूख, तो उमर ने बोला कि, उमर ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उमर ने बोला कि उसे खाना है कबाब पराठा। फिर उमर ने इतनी ज़िद की कि वो एक शॉप थी वहाँ का खाएगा, तो उधर हमने जाना नहीं था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ हुसैनाबाद से उमर के लिए लिया एक रोल बढ़िया सा, और हमने भी एक एक रोल लिया और खाया, क्योंकि भूख भी लग रही थी। और भैया ये सब देखकर मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दिल करता है कि मैं बस खा लूँ, क्योंकि मुझे नॉनवेज पसंद है। और हाँ प्लीज़ भाई, जो नहीं खाते हैं वो बुरा नहीं मानना, ये सब अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी चॉइस होती है, आप खाएं तो भी सही है, ना खाएं तो भी सही है, मैं खाती हूँ, मुझे कोई सजेस्ट ना करे कि तुम ना खाना, ठीक है। और आप सब ना मेरे वीडियोज़ आप सब लाइक करते हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। लो भाई, जो नॉनवेज लवर्स हैं वो रोल खा लें और मेरे वीडियोज़ प्लीज़ देखते रहें, और इंशाल्लाह ऐसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपको पता है उमर ना इतना बदमाश है, इसको हम लोगों ने रोल दिलाया उसके बाद ना इनका मूड ऑफ हो गया। ये देखिए, आप ही के घर हम आ गए, ये घर के अंदर नहीं जा रहे थे, क्यों, क्योंकि इनकी मम्मा थोड़ा सा वहीं से मार्केट से कुछ सामान ले रही थी, तो बस क्या हम अंदर आ गए। फिर हमने
अनाया का वेट किया कि उमर आएंगी अनाया के लिए डोर खोलने पर, अनाया अंदर थी तो मैंने खुद ही ओपन कर लिया और फिर हम अप्पी के घर चले गए। तो फिर मैं थक चुकी थी बहुत, फिर मैंने ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया, फिर हम बातें करने लगे। धूप बहुत तेज़ थी भाई, खाए मैंने फ्रूट्स और खाला यहाँ लेटी आराम कर रही थी। फिर मैंने खाए थोड़े फ्रूट्स तो मुझे अच्छा लगा, और भाई मेरे मुंह को अवॉइड करना, मैंने मुंह भर भर के खा लिया क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। आप ही ने मुझसे बहुत कहा, मेरा खाना खाने का दिल नहीं था, तो मैंने फ्रूट्स ले लिए, बस वही सही था। फिर हम इसके बाद दिन गए नैना अप्पी के, अपनी जो हमारी दूसरी वाली अप्पी, और पता है यहाँ पर अरसलान सो रहे थे, अरसलान को तो भाई सभी लोग जानते होंगे। फिर अरसलान से अप्पी ने बोला उमर आए, मतलब मेमो भाई, तो अरसलान इतने ज़्यादा माशाल्लाह हैप्पी, आप देख सकते हैं दोनों भाई कितने प्यार से हक कर रहे हैं एक दूसरे को। ये अरसलान आपको पता है बहुत 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 प्यारा बच्चा है, पर ये ना जितना ज़्यादा बदमाश है। अप्पी ना मुझे हक कर रही थी और कह रही थी बहुत दिन बाद आई हो, तो अरसलान ना जितने बदमाश हैं ये उतने ही ज़्यादा, दिखने में जितने सीधे लगते हैं उतने ही ज़्यादा बदमाश हैं। आप बिल्कुल सोच नहीं सकते कि ये किस कदर वाली बदमाशी कर सकता है। आप थोड़ा सा वेट करें, अभी आपको तो इसी वीडियो में देखने को मिलेगा कि ये कितना ज़्यादा सीधा बच्चा है, ये सबको बहुत मारता है, ये दिखने में छोटा है बस। फिर क्या था फ्रेंड्स, फिर ज़्यादा कुछ हमने लिया नहीं, तो अप्पी ने जूस और बिस्किट से फ्रूट बिस्किट्स रखे, तो वो हमने खाए, काफ़ी टेस्टी से थे। और अरसलान और उमर की बातें सुनिएगा, आप देखिएगा कैसे चलाकी कर रहे ये लोग। फिर क्या था, फिर हमने किया थोड़ा बहुत नाश्ता और हमने पिया जूस, और अरसलान से मिलके तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और बस फिर मैं बैठी, बस यही सोच रही थी कि फाइनली आज मैं घर से निकली, अप्पी आई तो मुझे निकलने को मिला, क्योंकि अप्पी के साथ ही मैं जाती हूँ ज़्यादातर, और अप्पी लोग के घर भी गई, मैंने सबसे मिला और मैं बात कर रही थी कुछ, मैंने बस जूस पिया और मेरा कैमरे में बिल्कुल ग्लास आ गया बिल्कुल पास से, तो फिर काफ़ी अच्छा लगा ठंडा ठंडा सा। और आप सबको ये बताएं, किसे किसे गर्मी में चाय ज़्यादा पसंद है, कि गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मॉकटेल्स जूसेस पसंद है? भाई मुझे तो गर्मी में ये सब नहीं अच्छा लगता है कि मार गरम गरम कुछ पी लो, ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अरसलान को देखे कैसे मेरे कैमरे में आ गया, और मैंने आपसे कहा था ना कि अभी इनका आपको बहुत सीधा वाला अवतार देखने को मिलेगा, तो ये देखिए। और इन्होंने ना ये देखे दीवारों पे किस कदर की ज़बरदस्त पेंटिंग की है। अरसलान ना पेशे से एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, जो कि ये अपनी कारीगरी ना अपने घर की वॉल्स पर दिखाया करते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये कितने छोटे हैं उम्र से, और ये किस कदर का उम्र के साथ फाइटिंग कर रहे हैं। और आपको क्या पता है, ये हर एक के साथ फाइटिंग कर सकता है, ये इतना बलवान बच्चा है कि क्या बोले। बस ये देखे किस कदर का मारपीट कर रहा है, ये इतना बदमाश लड़का है, मुझे मन करता है इसका फेस मैंने ऐसे कर दिया और फिर इसने ना फिर मेरे साथ फाइटिंग शुरू कर दी। फिर पता है क्या हुआ, फिर हुआ ये कि अप्पी देख देख के तंग आ गई, फिर अप्पी ने इनको उठा के ऐसे एक जगह पर रखा और ये फिर से वापस से लड़ने आ गए उमर से। ये देखिए ये बहुत ही सीधा है, आपने इस तरह का सीधा बच्चा नहीं देखा होगा। फिर ये क्या सीन क्रिएट हुआ, ये तो होना ही था जब दो बच्चे मिलते हैं तो ये तो होता ही है। फिर शाम का टाइम हो गया, फिर हमने पी चाय और साथ में खाए बढ़िया से फ्राइज़ जो कि अप्पी ने बनाए थे, और मज़ा आ गया। चिली फ्राइज़ थे, काफ़ी अच्छे थे। फिर हम उसके बाद एक गए कॉस्मेटिक शॉप पर, फिर वहाँ से हमने कुछ ली ज़रूरत की चीज़ें, फिर हमारा आ गया रास्ता और हो गई शाम। तो आप देख सकते हैं संडे का डे था, और यहाँ पर क्लॉक टावर पर वो ज़बरदस्ती भीड़ थी, लग रहा था यहाँ पर कुछ फ्री बट रहा है या बटने वाला है। मैंने भी सोचा क्या यहाँ कुछ हो रहा है, फिर मैं दो मिनट रुकी, मैंने देखा, जब मैंने देखा यहाँ तो वो ज़ोर भत्तड़ मच रही है कि इधर से लोग आ रहे हैं उधर से लोग आ रहे हैं। फिर हमने उमर ने बोला कि मुझे चलानी है यहाँ पर कार, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर बच्चों की कार अवेलेबल होती है, कार चलती है यहाँ। भाई गधे घोड़े सब दिख रहे थे और इंसान भी दिख रहे थे। फिर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े फिर हमने देखा कि पुलिस आ रही है। फिर अप्पी तो भाई यूँ ही घबराती हैं, अप्पी ने बोला कि देखो यहाँ का माहौल मुझे सही नहीं लग रहा है, चलो फिर हम चलते हैं घर। तो क्या था, फिर थोड़ा सा हमने शॉट लिया और फिर ना पुलिस वगैरह आ रही थी, अल्लाह जाने यहाँ पर क्या होने वाला था। तो भाई सब शॉप से लोगों की साइड हटवा रहे थे, और ये दादी जी तो इतनी गुस्से में थी भाई, पता नहीं किससे लड़े जा रही थी। फिर क्या था, फिर हमने
अपनी उठाई गाड़ी या गाड़ी ने हमको उठाया, आप जो भी समझे। फिर क्या, फिर हम लोग आगे चले गए और ये देख सकते हैं आप पुलिस मैंस कितने सारे हैं भाई, उमर को तो बिल्कुल डर नहीं लगता। और पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा काफिला चल रहा है लोगों का और भाई इंजॉय भी नहीं करने दे रहे हैं। फिर क्या था, फिर हम आगे बढ़ते गए, फिर वही रास्ता आ गया। आज ना मैं ज़्यादा टिक कर कहीं वीडियो नहीं बना पाई दोस्तों, क्योंकि मेरे पास आज ऐसा काम था ना कि मुझे इधर उधर चलते रहना था। थोड़ा थोड़ा सा मैं बैठी, मैंने इधर उधर का थोड़ा सा शूट किया। प्लीज़ बुरा ना मानिएगा भाई, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मेरा गुड्डा मेरा उमर मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फाइनली ये मेरा व्लॉग ख़त्म होने ही वाला है अब। चले फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।